फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों आप में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि भाई WBC बढ़ रहा है या WBC बहुत कम हो रहा है। ऐसे ही हमारे व्यूअर हैं दोस्तों, उनका कमेंट आया कि भाई WBC 19,000 पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों WBC होती क्या है। ब्लड के अंदर तीन तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। WBC का कोई कलर नहीं होता इसलिए व्हाइट दिखती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होती है अपनी रेड ब्लड सेल्स और तीसरी क्या होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो खैर ये तीन तरह की सेल्स हैं दोस्तों, और WBC बेसिकली WBC को आप TLC भी कहते हैं। रिपोर्ट जब आप बीमार पड़ते हैं लंबे समय तक, तो डॉक्टर जांच करने के लिए आपको ब्लड की जांच करने के लिए बोलता है, तो आप CBC कराते हैं। एक तो CBC में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है ना, इस तरह के हीमोग्लोबिन भी होता है, WBC भी होता है, सी प्लेटलेट्स सारी चीज होती है। तो यहाँ पे WBC भी लेता है कई बार, वहां पे WBC की जगह लिख रहता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो TLC भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको घबराना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, एक ही नाम है, एक ही चीज है, उसके अलग अलग नाम है। तो WBC बेसिकली है क्या हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों, ये हमें जो है रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। अगर कोई रोग आएगा आपके शरीर में, दैट मींस रोग इन द सेंस कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा, तो WBC उससे फाइट करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा जो बाहरी कण, तो उससे वो लड़ेगी हमारी बॉडी, किसकी सहायता से, WBC की। सो सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आपके शरीर में इंफेक्शन होगा, किसी भी तरह का इंफेक्शन होगा कहीं पे भी, तो WBC आपके ब्लड में बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंफेक्शन से लड़ना है, जितना ज्यादा वो इंफेक्शन होगा WBC उतनी ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है दोस्तों WBC की, वो होती है लगभग लगभग 4,000 से लेके 11,000, ठीक है, इतनी होना चाहिए। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक भी चलेगा। लेकिन अगर आप सोचे कि भाई कि ये तो मतलब कई लोगों का 10,000 हो जाता है, 9,000 हो जाता, तो एक प्रकार से वो भी बड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं 12,000 हो गई है, 13,000 हो गई है, तो फिर वो एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुकी है। WBC इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट मींस कि आपके शरीर में इंफेक्शन इतना ज्यादा है कि आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं अब। तो यहाँ पे अगर बात की जाए भाई की, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई उनको डर लग रहा है और 19,000 हो चुकी है, 19,000 हो चुके हैं WBC काउंट, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए WBC कम करने का कोई डायरेक्ट दवा नहीं आता है, ठीक है, बढ़ाने का आता है, ठीक है, पैगी फ्लोस्टेशन आते हैं जो भी दवाइयां, तो बढ़ाने का तो आता है दोस्तों, लेकिन कम करने का कोई डायरेक्ट दवा नहीं होती है। कम करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कि आपको उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक, बीमारी को पकड़ना पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं कि भाई किस किस बीमारी में ये बढ़ जाती है। तो देखिए किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो उसमें WBC बढ़ती तो है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मेनिनजाइटिस है, आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन है दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI बोलते हैं जिसे, या आपके कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, वहां पे घाव पकने लगा है, टाके वगैरह, तब भी WBC का काउंट 11,000 से ऊपर हो सकता है। तो ये कारण होता है। अगर आपको कम करना है तो आपको डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर को दिखाइए, आपको घर पर नहीं रहना है, या एक डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा तो आप डॉक्टर चेंज कीजिए, अपने डॉक्टर को जो है क्रॉस चेकिंग कराइए, दूसरे डॉक्टर से चेक कराइए। भाई हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपके साथ लापरवाही कर रहा हो, जब इतने दिनों तक आपका 19,000 WBC है, तो आप बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है, ये रिस्की होता है, ठीक है, कम हो सकता है लेकिन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। आप खुद सोचिए कि भाई जो चीज इन्फेक्शन बढ़ने पर बढ़ रही है, अगर वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो कि नॉर्मली देखा नहीं जाता है, तो आप सोचिए आपके शरीर में क्या हो रहा होगा। आप किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो कि समझ नहीं पा रहा है, जिसको नॉलेज कम है, तो प्लीज अपना डॉक्टर चेंज करें। और यहाँ पे एक और चीज आती है, कई लोग सोचते हैं कि भाई कैंसर होगा क्या, जाहिर सी बात है ब्लड कैंसर में जो है सेल्स बढ़ती हैं, ब्लड कैंसर यही होता है, सेल्स की ग्रोथ होती है। WBC अगर काउंट बढ़ रहा है, सिर्फ WBC काउंट, तो बहुत कम चांस है कि वो कैंसर होगा, ठीक है, और ल्यूकेमिया वगैरह बोलते हैं जिसे, तो कैंसर का चांस तो बहुत कम होता है। लेकिन सबसे पहले उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कीजिए जिसकी वजह से ये
डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी ना ही घरेलू नुस्खा है दोस्तों इस चीज को कंट्रोल करने का, क्योंकि अब बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको सीरियस हो जाना है, दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जल्द से जल्द, जो भी बीमारी हो रही है उसकी जांच कराकर उसका इलाज लीजिए, अपने आप डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी काउंट अगर कम है उसे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों में कम रहता है बहुत ज्यादा, तो उसको बढ़ाने के लिए दवाइयां आती हैं, वो हम आपको बताएंगे क्या क्या कारण होते हैं, वो भी बताएंगे। तो प्लीज वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो इस वीडियो में हमें क्या जाना दोस्तों कि बढ़ी हुई डब्ल्यूबीसी को कम नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली तो कोई दवा नहीं आती है। अगर कोई आज आपसे बोले कि भाई ये दवा खिला दो, बोला बेवकूफ बनाने का काम है, सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर कॉज पे जाना पड़ेगा कि भाई जिस वजह से आपके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है उसको आपको ठीक करना रहेगा, फिर अपने आप जो है डब्ल्यूसी को कम कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि कह सकते हैं आप लेंगे तो अच्छा ही आपके लिए, जैसे बेरीज है, गुआवा है, इन सबको लेंगे, या विटामिन सी के टैबलेट्स अगर लेते हैं थोड़ी हेल्प मिलती है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है विटामिन सी से, ठीक है। यही एक ट्रीटमेंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगा नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।